यहां खंडवा में वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाने और नियम तोड़ने पर सबक सिखाने के लिए कोर्ट सड़क पर उतरी बगैर लाइसेंस बगैर कागजात और बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। शहर के चार स्थानों पर 8 जजों की बेंच के मार्गदर्शन में ट्रैफिक अमले ने 1000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। खंडवा के टैगोर पार्क जसवाड़ी रोड इंदौर रोड और मूंदी रोड पर 8 जजों की बेंच द्वारा पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कराई गई। खंडवा के टैगोर पार्क तिराहे पर सैकड़ों वाहन मजिस्ट्रेट कोर्ट की जद में आए। इनमें नगर निगम की कार्यपालन यंत्री भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सहित शासकीय कर्मचारी स्कूल के विद्यार्थी भी रोके गए। आपको बता दें कि खंडवा में पहली बार वाहन चालकों पर मजिस्ट्रियल कार्रवाई की गई है। मौके पर चालान जमा नहीं करने पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज न्यायालय द्वारा और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही वाहन चेकिंग में, जिसमें ट्रिपल सवारी बिना हेलमेट वाले नंबर प्लेट वाले स्टाप के इन पर कार्रवाई की जा रही है। और ये मोबाइल बेंच है जो इनकी, उसमें शहर के चार स्थानों पर इनकी 8 जजों की टीम के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो नाबालिग बच्चे हैं, वाहन चलाते पाए गए हैं, बिना हेलमेट वाले पाए गए, ट्रिपल सवारी मोबाइल बात करने वाले और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चलाते पाए गए। आज की कार्रवाई प्राय देखने में ये आया है कि अभी तक ज़्यादा किसी के फोन वगैरह आए नहीं है, उसमें बिना दबाव की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा ये कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई की जा रही पुलिस के द्वारा, जिसमें सभी के चालान बना के इनको हिदायत दी गई है कि आने वाले भविष्य में ये हेलमेट और नियमों का यातायात नियमों का पालन करें। इस कार्रवाई में बड़ी बात ये रही कि यहाँ रसूख भी काम नहीं आया, आम से लेकर खास तक कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज।